स्टूडेंट्स, स्टैंडर्ड फोर्थ इंग्लिश चैप्टर नंबर फर्स्ट, द बॉय एंड द रोबर्स। रोबर्स का मतलब क्या होता है? लुटेरू। ठीक है, लेट्स स्टार्ट रीड द स्टोरी। इन पर्सिया व्हेन साइरस द ग्रेट वॉज किंग, किंग था वहाँ का, कहाँ का? पर्सिया का। पर्सिया एक कंट्री यानी कि सिटी है। साइरस था वह वहाँ का किंग था। बॉयज वे टॉट टू टेल द ट्रूथ, क्या सिखाया जाता था? ट्रूथ यानी कि सच बोलना सिखाया जाता था। दिस वॉज वन ऑफ देयर फर्स्ट लेसन एट होम एंड एट स्कूल। स्कूल हो या घर हो, हमेशा एक ही लेसन फर्स्ट ऑफ ऑल सिखाया जाता था, क्या? वो ट्रूथ। नन बट अ कोवार्ड विल टेल अ फॉल्सहुड, सेड द फादर ऑफ द यंग ऑटेंस। जो ऑटेंस थे उसके फादर क्या कहते थे? जो डरपोक होता है वही हमेशा झूठ बोलता है। वो कौन बोलता था? उसके फादर। किसके? ऑटेंस के। ट्रूथ इज ब्यूटीफुल, ऑलवेज लव इट। ट्रूथ है वो हमेशा सुंदर है, उसे हमेशा चाहना चाहिए। वो कौन बोलता था? उसकी मदर। किसकी? ऑटेंस के। व्हेन ऑटेंस वॉज 12 ईयर्स, जब भी वो 12 ईयर्स का था, हिज पेरेंट्स विश्ड टू सेंड हिम टू स्टडी इन अ फेमस स्कूल इन अ डिस्टेंस सिटी। उनके घर से जो थोड़े दूर डिस्टेंस सिटी में एक फेमस स्कूल थी जहाँ पे अच्छी पढ़ाई होती थी, उसके ऑटेंस के पेरेंट्स की इच्छा थी कि मेरा बच्चा उसी स्कूल में, अच्छी सी स्कूल में पढ़ाई करे जो लॉन्ग डिस्टेंस पे थी। कितने ईयर का था ऑटेंस? 12 ईयर्स का था तब। इट वुड बी अ लॉन्ग जर्नी, वो बहुत लॉन्ग जर्नी थी, एंड अ डेंजरस वन, और उसका वहाँ का एरिया भी कैसा था? डेंजरस था। सो इट वॉज अरेंज्ड दैट द बॉय शुड ट्रैवल विथ अ स्मॉल कंपनी ऑफ मर्चेंट्स हु वेयर गोइंग टू द सेम प्लेस। छोटे छोटे जो व्यापारी थे वो लोग वहीं पर जा रहे थे, कहाँ? जहाँ ऑटेंस को जाना था उसी जगह पे वो लोग जा रहे थे। उनके पेरेंट्स की इच्छा थी वो भी, मेरा बच्चा भी उनके साथ ही चला जाए। गुड बाय ऑटेंस, क्या बोलते थे ऑटेंस? गुड बाय, बी ऑलवेज ब्रेव एंड ट्रूथफुल, तुम हमेशा ब्रेव और ट्रूथफुल रहना, उसके फादर कहते थे। फेयरवेल, जाते समय उसकी मम्मी ने क्या कहा? लव दैट विच इज ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल प्रेम है वो अच्छा है, डिस्पाइज दैट विच इज बेस, सेड हिज मदर। क्या उसकी मदर कहती? फील अ स्ट्रांग डिसलाइक फॉर समथिंग और समवन, कुछ अंदर आपके अंदर अच्छा होता है, स्ट्रांगनेस हमेशा अंदर से होनी चाहिए। द लिटल कंपनी बिगन इट्स लॉन्ग जर्नी, जर्नी उन्होंने स्टार्ट की। सम ऑफ द मेन रोड ऑन, कौन कौन मिला उनको बीच में? कैमल्स, सम ऑन हॉर्सेस। दे वेंट बट स्लोली, बहुत धीरे धीरे चलते थे, फॉर द सन वॉज हॉट, बहुत गर्मी भी थी, एंड द वे वॉज रफ, और रास्ता भी कैसा था? बहुत रफ था। सडनली, अचानक से ही, टू वार्ड्स इवनिंग, शाम के टाइम पे क्या हुआ? अ बैंड ऑफ रोबर्स सुप्ड डाउन अपॉन देम। सुप्ड डाउन का मतलब होता है अचानक से ही हमला करना। उन्होंने बीच में लुटारू वो मिले कब? इवनिंग के टाइम पे उन्होंने अचानक से हमला किया। द मर्चेंट्स वेर नॉट फाइटिंग मैन, वो लोग फाइटिंग करने वालों में से नहीं थे। दे कुड डू नथिंग बट गिव अप ऑल देयर गुड्स एंड मनी। वो क्या बोल रहे थे? हमारे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट पेज, वेल बॉय व्हाट यू हैव यू गॉट, क्या बोलते हैं? बॉय के पास जाते हैं वो रोबर्स और पूछते हैं कि आपके पास क्या है? आस्क्ड वन ऑफ द रोबर्स, क्या बोलते हैं रोबर्स क्या कहता है? एज ही पुल्ड ऑटेंस डाउन फ्रॉम हिज हॉर्स, हॉर्स से उसको नीचे उतारा जाता है। 40 पीसेस ऑफ गोल्ड, आंसर द लेड, उसके पास क्या है? आंसर क्या दिया एक छोटे बच्चे ने? उसके पास 40 पीसेस है।
40 पीस यानी कि 40 कॉइन है उसके पास। तो रॉबर्ट्स लाफ्ड, रॉबर्ट्स हंसने लगा।